मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मॉर्निंग में उठा हूँ क्योंकि मुझे आज जाना था हॉस्पिटल। आज मेरी छुट्टी है तो मैं सोचा चलो यार हॉस्पिटल चला जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है। तो सोचा कि चलो डॉक्टर को आज मैं दिखा लेता हूँ, क्योंकि लापरवाही नहीं करनी है अब। तो चलते हैं फिर हॉस्पिटल। These trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay with me. You know that I'll follow. I can breathe. Together we'll fall apart. Stay here right in my arms. And we'll start again. So stay. फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं हॉस्पिटल, भगवान महावीर हॉस्पिटल, जो कि सरकारी है। यहां पे जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छी तरीके से होती है, और मेरे नियर वाइज में यही पड़ता है तो मैं यहीं आता हूं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और आज जो है विश्वकर्मा पूजा है, मुझे पता नहीं था, एक भाई ने बताया कि आज विश्वकर्मा पूजा है। तो आज के दिन जो है हर एक चीज़ की पूजा होती है, जैसे कि गाड़ी से लेकर फैक्ट्रीज़ में लोहे हुए होते हैं, उस चीज़ की भी पूजा होती है। तो फिर मैं अभी भगवान महावीर हॉस्पिटल में अभी आ चुका हूँ, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी बंद है OPD या खुला हुआ है वो तो आगे जाने के बाद ही भगवान महावीर अस्पताल। तो मेरी ट्रीटमेंट ज़्यादातर मैं यहीं से करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो ट्रीटमेंट होती है ट्रीटमेंट। OPD जो OPD जो है ना बैक साइड में है, और इमरजेंसी जो आगे है, आगे की ओर है। तो फाइनली गाइस, मैं अंदर पहुंच चुका हूं। हेलो मैम, तो अभी जो है लाइन लगी काउंटर की पूजे पर, बाकी हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगने के बाद फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम बताएंगे आप, उसके बाद फिर आपको पर्ची बना के दिया जाता है, और वहाँ पर लिखा रहता है, मेंशन रहता है रूम नंबर। रूम में जाकर आप डॉक्टर बैठते हैं, फिर वहाँ पर जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो उसी प्रॉब्लम के आधार पे डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे लाइन है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, बाकी अभी मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में वैसे ज़्यादा भीड़ होता है, अपनी आज भीड़ नहीं है ज़्यादा। साइड जो है वहाँ पर लेडीज़ का है, और प्लस में वहाँ पर पुरानी पर्ची की भी डेट डाला जाता है। तो चलते हैं फिर टाइम के बाद नहीं, बट अभी मैं आपको दिखाऊँगा पर्ची में जो क्या क्या डाला जाता है, वो चीज़ देखाऊँगा आपको। आज तो मज़ा आ गया, क्योंकि भीड़ नहीं है ना हॉस्पिटल में। आज मेरी छुट्टी भी थी, मेरे को लगा कि विश्वकर्मा पूजा का आज OPD बंद होगा, बट बंद नहीं है। अगर बंद होता तो सच में यार बहुत दिक्कत होता, मुझे नेक्स्ट छुट्टी पे आना पड़ता। मैं चाहता नहीं था कि मैं छुट्टी
मुझे आ जाना पड़ा क्योंकि काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा है, मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस इसलिए मुझे आना पड़ा है, अभी चेक करा ही लेता हूँ। तो गाइज अभी मेरा नंबर आने वाला है, उसके बाद फिर अपने नंबर पे मैं बोर्ड पर या उधर पर्ची यहाँ पे मेरे से पूछा जाएगा, नाम एज कहाँ रहते हो मैं सब बताऊंगा, उसके बाद फिर मेरे को वो पर्ची देंगे बनाकर, शायद मैनुअली बना के दिया जा रहा है, पेन से ही बना के दे रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है हमारे अपना आधार, कला नाम बोलो। तो फाइनली गाइस मुझे जो पर्ची मिल गया है, पर्ची मिल मैंने पूछा गया है, ये पीछे काउंटर देखते हैं क्या चीज़ उसमें कुछ मिसिंग भी हो गया, उसकी नोट कर रहे हैं, देख सकते हैं नोट कर रहे हैं। तो गाइस पर्ची मिल चुकी है, ये देख सकते हैं आप, और जो मैं एक चीज़ बताऊँगा मेरे को भी हंसी भी आ रही है कि जो जिसको मैंने नाम बताया था, जो पर्ची काउंटर पर बैठे हुए हैं सर, तो उन्होंने जो मेरा नाम लिखा है वो देख सकते हैं, उनको नाम का स्पेलिंग बताने के बावजूद भी उन्होंने जो स्पेलिंग है मेरे नाम का EKSLAGU लिख दिया है, जबकि मेरा नाम है इखलाक और मेरे नाम का जो स्पेलिंग होता है वो ये होता है EKHLAQUE। बट कोई नहीं, ये रूम नंबर है देख सकते हैं 23, तो हम चलते हैं फिर रूम नंबर 23 की ओर। यह है भगवान महावीर हॉस्पिटल, तो फिर अभी हम जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं उसके बाद फिर क्या क्या भीड़ है या कम है। कम है मेरे हिसाब से, भीड़ कम ही होगा क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे ये देख सकते हैं भीड़ यहाँ पे बहुत ही कम है। आज भीड़ नहीं है बट भीड़ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, आज बहुत कम भीड़ है। तो आप जब भी आएँ हॉस्पिटल तो यहाँ पे ना हर एक चीज़ का आपको, जैसे कि दिक्कत प्रॉब्लम्स अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ पे आराम से अगर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा हॉस्पिटल लगता है। देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे, लंबी लाइन है, बहुत ही लंबी लाइन है, और मैं सबसे लास्ट में बैठा हूँ, फिर दिखाऊँगा डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम्स बताऊँगा, उसके बाद के हैं घर जाऊँगा, फिर मिलते हैं आगे को। फाइनली मैं डॉक्टर को बताया कि ऐसा सब प्रॉब्लम है, और उन्होंने देखा और उन्होंने मेडिसिन लिखा है, आप लोग को दिखा सकते हैं, ये देखिए मेडिसिन उन्होंने लिखा है। तो 23 नंबर में गया था उस टाइम, तो मार्क्स नहीं था, तो मार्क्स के कारण मुझे बाहर बोला जाने के लिए, फिर मैं गया मार्क्स आने के लिए, तो मैं ये लेके आया। उसके बाद फिर उन्होंने जब बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने 102 नंबर का उन्होंने पर्ची बना दिया, फिर वहाँ आया 102 में, तो उन्होंने फिर बोला कि नई पर्ची बनाने के लिए, फिर नई पर्ची के लिए आया यहाँ पे, तो उन्होंने उसी पर्ची पे 102 लिख कर और मुझे बोला कि जाके दिखा लो। तो फाइनली उन्होंने मेडिसिन लिखा है और कुछ नहीं बताया है, देखते हैं मेडिसिन खा के आराम मिलता है तो ठीक है, ना तो फिर आएंगे दिखाने के लिए। तो मैं अभी नीचे आ गया हूँ फिर से, तो आप देख सकते हैं मेडिसिन की लाइन ये है भाई, मेडिसिन इस साइड मिलता है, मेडिसिन इस साइड, और जो पर्ची वर्ची है जो पर्ची हैं उस साइड कटाई जाती है। तो अभी मैं मेडिसिन लूँगा, उसके बाद फिर घर मिलूँगा। तो गाइस ये जो महावीर हॉस्पिटल जो है बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, आपको यहाँ पे हर चीज़ का इलाज होता है और हर एक चीज़ अच्छी तरीके से देखा जाता है। तो आप भी प्लेस नियर वाइज में अगर किसी को कुछ होता है तो आकर आप यहाँ से इलाज करवा सकते हैं और अपना भी करवा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट थोड़ा सा टाइम लगा वो मार्क्स के टाइम में, जो मैं फिर बाहर गया था मार्क्स लाने के लिए, और उसके बाद से फिर ऊपर गया था दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे नंबर वाइज चलता है ना, 77 मेरा नंबर था,
तो उसी के वजह से थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी मेडिसिन लिखे हैं वो, अब जा रहा हूँ मैं मेडिसिन लाने के लिए, उसके बाद फिर घर निकलूँगा मैं। तो अब जैसा कि देख सकते हैं ये है पार्किंग एरिया, जो यहाँ पे जो डॉक्टर लोग आते हैं तो उनकी गाड़ी लगती है यहाँ पे। बाकी मेरे पीछे देख सकते हैं ये अभी नया बन रहा है हॉस्पिटल, महावीर का ही है नया, इस साइड का बन रहा है अभी। बाकी चलते हैं मेडिसिन लाने के लिए। यहाँ पे यार फ्री ऑफ कॉस्ट में हर चीज़ मेडिसिन मिलती है, जांच भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि सरकारी सरकारी अस्पताल है, तो जाहिर सी बात है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। तो चलते हैं फिर आगे की ओर। तो मेडिसिन काउंटर के नज़दीक में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये आज तो भीड़ नहीं है वैसे भी। तो फाइनली मैंने पर्ची दे दी, खाली पेट मुझे मेडिसिन मिल रहा है। सुबह शाम खाने के बाद ओके। क्या बोल रहे हो सर? एक टाइम चबा के खानी है एक टाइम। तो फाइनली मुझे मेडिसिन मिल गया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ। ये मेडिसिन है जो हमें यहाँ से मिला है, सात दिन का डॉक्टर जी ने सात दिन का लिखा था मेडिसिन, ये सात दिन का मेडिसिन है। कुछ ऐसे मेडिसिन भी होते हैं जो यहाँ से मिलते नहीं हैं, जो बाहर से मिलते हैं। तो फाइनली सब सारा काम हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लग गया था, बस मार्क्स लाने चला गया था, बाकी ऊपर जांच जब करवाने गया था उस टाइम लगा था, बाकी मेडिसिन मिल ही गया, सब कुछ देखते हैं खा के आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। ये है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इमरजेंसी एरिया है, सामने देख सकते हैं ये इमरजेंसी एरिया है, उस साइड OPD था और इस साइड इमरजेंसी एरिया है। ये आप किसी टाइम भी आकर और रात या दिन किसी टाइम भी आकर आराम से इलाज करवा सकते हैं। चले भाई बढ़िया। तो यहाँ पे काउंटर है, यहाँ से आप वो करवा सकते हैं, पर्ची ले सकते हैं। ये पार्किंग एरिया हॉस्पिटल का, जो आम आदमी लगाती है गाड़ी। तो मैं जा रहा हूँ बाहर, फिर आपसे मैं मिलता हूँ बाहर। ये बोर्ड लगा हुआ है इमरजेंसी, तो आके आप आराम से यहाँ पे, ये बैक साइड का पूरा, इस साइड OPD है और इस साइड इमरजेंसी है। घर और अभी जा रहा हूँ, घर नहीं आया हूँ बट अब जा रहा हूँ घर, क्योंकि मैं अभी गाड़ी सुन रहा हूँ, अब जा रहा हूँ घर। तो आप लोग वीडियो देखें, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। और मैंने आपको महावीर हॉस्पिटल दिखाया इस वीडियो में, और उसके बाद मेरी वीडियो को प्लीज़ इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।